हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंडीगढ़ एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक सचदेवा और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन यानी कि IBPS PO एग्जाम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। सो मैं ये होप करता हूं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि आपके तक भी वो जानकारियां पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि IBPS हर साल प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की पोस्ट यानी कि PO की पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है ताकि वो उन वैकेंसीज को फिल कर सके। तो चलिए जानते हैं IBPS PO एग्जाम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम मोड के बारे में। तो ये एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। आपको कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर बैठकर इस एग्जाम को देना पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपको इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बिना ग्रेजुएशन के आप एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो एज है वो 20 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि IBPS PO एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सो IBPS PO एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रीलिम्स, सेकंड है मेंस और थर्ड है इंटरव्यू। सो जो भी कैंडिडेट IBPS PO का एग्जाम देते हैं तो उनको सबसे पहले प्रीलिम्स यानी कि प्री एग्जाम देना पड़ता है। प्री एग्जाम को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स मेंस और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होते हैं। जो फाइनल लिस्ट बनती है IBPS PO की वो मेंस और इंटरव्यूज के बेस पर बनाई जाती है। IBPS PO का प्री एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है जिसे ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ते हैं और 100 मार्क्स का ही एग्जाम होता है। इस एग्जाम के लिए आपको एक घंटे का टाइम दिया जाता है और इसमें आपके तीन सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं। फर्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी, सेकेंड है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एबिलिटी और थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज। रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके 35 क्वेश्चन आते हैं दोनों सेक्शन में। और अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश से। तो कम्प्लीटली ये एग्जाम 100 क्वेश्चंस का और 100 मार्क्स का होता है। और इस एग्जाम में आपको हर सही आंसर के लिए एक मार्क्स मिलता है और आपके हर गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स आपके टोटल में से डिडक्ट कर लिया जाता है। मेन्स एग्जाम में ये खास बात है कि आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम देना पड़ता है और उसे अलग अलग टाइम पे ही आपको दिखाया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि रीजनिंग एप्टीट्यूड या फिर कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है और इसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं और ये 60 मार्क्स का होता है। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की तो ये 40 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है। इसे करने के लिए आपको 35 मिनट्स मिलते हैं और 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का एग्जाम होता है। और अगर हम बात करें डाटा इंटरप्रिटेशन या फिर डाटा एनालिसिस की तो इसको करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं और 60 मार्क्स का ये एग्जाम होता है और 35 क्वेश्चंस इस एग्जाम में होते हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का एक और एग्जाम होता है जिसे हम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बोलते हैं। उसमें आपको एक लेटर या फिर एसे राइट करना होता है जो कि 25 मार्क्स का होता है और उसको करने के लिए आपको अलग से 30 मार्क्स मिलते हैं। अगर हम बात करें पूरे ओवरऑल टाइम की तो मेंस एग्जाम में 3 आवर्स मिलते हैं आपको करने के लिए और इसमें 155 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का ये एग्जाम रखा गया है। मेन्स एग्जाम की भी मार्किंग स्कीम बिल्कुल प्री एग्जाम जैसी ही है यानी कि हर सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और आपके हर गलत आंसर के लिए आपसे 0.25 मार्क्स आपके टोटल में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। IBPS PO के एग्जाम में ध्यान देने वाली बात यह है कि IBPS PO प्री और मेन्स दोनों में ही आपको सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ दोनों को क्लियर करना पड़ेगा। IBPS मेंस की कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपका इंटरव्यू का ओवरऑल स्कोर जो होगा वो 100 मार्क्स होगा। और फाइनल लिस्ट जो आपकी बनाई जाएगी वो आपके मेंस के स्कोर और इंटरव्यू के स्कोर को मिलाकर बनाई जाएगी और आपकी जो सिलेक्शन है वो उन्हीं दोनों के बेस पर की जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको IBPS PO एग्जाम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होंगी। इन इंफॉर्मेशन को पाने के बाद आपको IBPS PO के प्रॉपर सिलेबस को देखना है और अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आप हमारे चैनल चंडीगढ़ अकेडमी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।